क्या बुलबुल देने वाली है खुशखबरी? आखिर क्यों आग बबूला हुए वीर? सीरियल मेरा बालम थानेदार का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे अचानक से बुलबुल की तबीयत हो जाती है खराब। वो दौड़कर पहुंचती हैं बाथरूम में, जहां वो करती हैं उल्टी। उनके पीछे पीछे वीर, उनकी मम्मी, उनके भाई और बाकी सारे परिवार वाले पहुंच जाते हैं, जहां पर वीर की मम्मी को बुलबुल का उल्टी करना ऐसा लगता है कि वो जल्द ही खुशखबरी सुनाने वाली है। बस फिर क्या था, वो घर के सभी सदस्यों को मुबारकबाद देने लगती है, जिस बात से वीर हो जाते हैं आग बबूला, क्योंकि उनके और बुलबुल के रिश्ते की सच्चाई तो वही जानते हैं। वेल, वीर इस बात को समझकर उस पर कुछ रिएक्ट कर पाते, तभी उनके ऑफिस से फोन आ जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। तभी वीर की मम्मी उन्हें रोक कर कहती है कि जब तुम्हारे बड़े भाई का जन्म होने वाला था, तब मुझे और तुम्हारे पापा को ऐसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन तुम हम पर विश्वास करो। वीर उनकी बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अगले सीन में आप देखेंगे कि कैसे बुलबुल निकलती है बाहर और वीर की मम्मी उनसे तरह तरह के प्रेगनेंसी के आचरण के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हें ये फील हो रहा है, और वो भी हाँ में हाँ मिलाती नजर आती है, लेकिन परेशान तो बुलबुल भी रहती है। वेल, जिसके बाद वीर की मम्मी वीर के छोटे भाई को मिठाई लाकर बांटने का आदेश दे देती है। बुलबुल, लाडो, तू ठीक है ना? तुझे उल्टी क्यों आ रही है? तुझे समझ नहीं आ रहा? उसे उल्टी इसलिए आ रही है क्योंकि तो पापा बनने वाला है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ, बुलबुल ने कुछ उल्टा सीखा था। ऐसे पापा बनने वाला है? इधर आ, इधर आ, अरे बच्चा, मतलब बच्चा जीवन में वाला बीमार कर रहा है। रुक जा भाई, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, रुक माँ, माँ मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बुलबुल ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं। जब विशेष होने वाला था तो तेरे पापा भी ना उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो भी ऐसी बैठी बैठी बातें कर रहे थे। हर बार तर्क देना जरूरी नहीं है, जो पल है ना उसे जी लेना चाहिए। अरे खुशियों का ऐसा ही होता है, पहली बार तो क्या? हेलो जी, जय हिंद। हाँ मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? जैसे समझ रही वैसा बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ ठीक। अरे तो क्या नहीं, अरे अच्छा सुन, मैंने तुझसे कुछ नहीं छूटे, मेरा जवाब ना अच्छे से आराम से देना। हाँ, अब तुझे अब कैसा लग रहा है? थोड़ी सी अब कुछ खाने का इंतजार है? खाने का बना सुन के पीछे से आ गया। ओह, खाने को अपना तरीके की आदत है ना, इसीलिए इसको ऐसा लग रहा होगा। तुम क्या वीर की तरह तड़पते रही हो? बिल्कुल जी, देखा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा खा पी नहीं है कि जिसकी वजह से गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं घर पे, क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि और भी मतलब सबके लाइफ में आई थिंक ऐसा होता होगा कि वो लोग कुछ ऐसे ही खा लेते हैं और फिर तबीयत खराब हो जाती है, तो सेम बुलबुल के साथ हुआ है। लेकिन उसके घर में जो उनकी माँ सा है उन्हें लग रहा है कि बड़ों को हमेशा लगता है कि कोई खुशखबरी आने वाली है। अब बुलबुल कैसे समझाए कि खुशखबरी नहीं है, उसने कुछ गलत खा लिया है। और फिर काफी सारी चीजें अभी इस टाइम जो बुलबुल का माइंड स्टेट है वो काफी हिला हुआ है कि मैं कैसे समझाऊं इनकी जो उम्मीदें हैं, इनकी जो खुशियां हैं, उसे मैं एक पल में कैसे तबाह कर दूं। तो बहुत सारी चीजें अभी बुलबुल के साथ चल रही। सुलोचना जी, आप क्या कहेंगी? आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे वॉमिट हो रहा है और इसे मन अजीब सा हो रहा है और इसे क्या कहते हैं उबकाई आ रही है। तो हर मदर इन लॉ या सास की तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुशखबरी आने वाली है और हमारा मेरा जो वीर है, जो अपना बच्चा होता है, जब उसके बच्चा आने वाला होता है कितनी खुशी होती है, वैसे ही खुशी मुझे महसूस हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मैं जो कह रही हूँ वो सच होता है या जो ये कह रही है वो सच होता है। पंडित जी ने बताया था, उपाय बताया था कुंडली देखने के बाद किया, अगर बच्चा आता है तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, तो एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि वो आपका उपाय कारगर साबित हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो मैंने सोचा था और
जैसा मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, तो शायद ऐसी खुशियां हमारे घर में आने वाली हैं। मैं तो यही सोच हाँ, मासा के लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात है ना कि मतलब उन्हें नहीं पता है कि बुलबुल नाबालिग है, लेकिन बुलबुल इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके कि मैं कैसे, अब अगर मैंने ये चीज बता दी, मेरी एज अगर सामने आ गई तो जो उनके पति हैं थानेदार साहब, उनकी वर्दी पे, उनकी इज्जत पे दाग लग जाएगा और इनकी खुशियां जेल हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और ये 19 साल के तो इनके लिए तो काफी नॉर्मल है, लेकिन बुलबुल जो इस फेज से अभी गुजर रही है वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट है कि वो कैसे मासा और पापा सा की खुशियां छीने, लेकिन उसकी एज का भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे कहते हैं ना लाचार सी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा उसको कि वो कंफ्यूज्ड है वो कि कैसे इस चीज को टैकल करे। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज देखिए 9:30 मंडे टू फ्राइडे मेरा बालम थानेदार, इसका बालम थानेदार। सीरियल मेरा बालम थानेदार से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।